मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज रहने के बाद नगरीय निकाय के चुनाव को जिस तरह से टालने की योजनाएं बनाते रहे हैं और स्थानीय शासन निकाय चुनाव में तो नगर पालिका निगम नगर पालिकाएँ नगर परिषद चुनाव तो न्यायालय के माध्यम से पोस्टपोन करा दिए और इसके बाद में बहाना हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय प्रक्रिया है। हालात वैसे ही कुछ पंचायतों के मामले में है। पंचायत के चुनाव की घोषणा होने वाली थी और मेरी जानकारी यह है कि जिस दिन घोषणा होने वाली थी उसे एक दिन पहले 21 नवंबर को रविवार के दिन महामहिम राज्यपाल महोदय से अध्यादेश जारी करा दिया गया कि अब 2019 का जो परिसीमन है और आरक्षण है उसको हम निरस्त करते हैं और नया अध्यादेश लागू रहेगा। आश्चर्य इस बात का होता है कि चुनाव होने की स्थिति अध्यादेश कराने की लड़ाई की अवस्था क्या थी। साफ मनसा है कि चुनाव कहीं नहीं कराना था। अब हालात ये बने हुए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कल पत्रकार वार्ता लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से चुनाव की मांग कर रही है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कई बार पत्र लिखकर भी मांग किया कि चुनाव कराया जाए। हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें आप लकुना देखिए, गलतियाँ देखिए। ये गलतियाँ जानबूझ से ऐसी छोड़ी गई हैं जिससे कोई व्यक्ति चुनाव के लिए आदरणीय उच्च न्यायालय में चला जाए और उसमें कोई कार्रवाई हस्तक्षेप हो जाए, चुनाव ना हो। पहली गलती इनकी ये है। मतदाता सूची का कार्यक्रम आज 5 दिसंबर तक के लिए निर्धारित है उनका, उन्होंने कल 4 तारीख को चुनाव घोषित कर दिए। कैसे कर सकते हैं? परिसीमन को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी किया कि 4 सप्ताह में जवाब दीजिए, उन्होंने चुनाव घोषित कर दिया। कैसे कर सकते हैं? तीसरी बात यह है कि आरक्षण को लेकर अभी खुद उन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण होगा। 14 दिसंबर आया नहीं, आरक्षण हुआ नहीं है, आपने चुनाव घोषित कर दिए। चौथी बात इसमें यह है कि 2014 के पंच सरपंच के आरक्षण को आप वैध मानेंगे। आधा 2014 का